भले ही होगी खर्च में वृद्धि, फिर भी शुभ फलों की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार 30 अक्टूबर को एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। यह केवल राहु ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो उस दिन गुरु और राहु का गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए यह परिवर्तन, यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज के भाग में हम मेष राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं, साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। ज्योतिष में राहु को भले ही छाया ग्रह माना गया हो, लेकिन मनुष्य जीवन पर उसका प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है, जो फल कथन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अध्ययनकर्ता बड़ी सखोलता से अध्ययन करते हैं, कई वर्षों तक करते रहते हैं, लेकिन जब फल कथन करने का समय आता है, कुंडली को नियम लगाकर उन्हें सत्यापित करने का समय आता है, तब वे बड़े विचलित हो जाते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ शीघ्र फैलती है, जिस कारण जहाँ जहाँ राहु ग्रह दिखाई देता है, वहाँ वहाँ ज्योतिष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक विचार करने लगते हैं, जिस कारण वे उचित फल कथन तक पहुँच नहीं पाते। ऐसी कई कुंडलियाँ होती है जिनका राहु ने बनाया होता है, क्योंकि राहु का कर्तृत्व तो अत्यंत बड़ा है। आपके सामने जब फल कथन के लिए कोई कुंडली आती है, तब राहु जहाँ विराजमान है, जिन स्थानों पर राहु की दृष्टि है, उन्हें यदि आप नकारात्मक समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको का फल कथन गलत होता है। राहु ग्रह कई चीज़ों का कारक है। वास्तव में कोई भी ग्रह 100% शुभ या 100% अशुभ हो नहीं सकता। यह अनुचित विचार सबसे पहले आपने मन से निकाल देना चाहिए। गुरुदेव जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह भी कुछ चीज़ों में शुभ तो कुछ चीज़ों में अशुभ होता है। ऐसा हर ग्रह के साथ होता है, इस बात को सभी ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। वह मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, अर्थात अग्नि तत्व की राशि से वह अब जल तत्व की राशि में प्रवेश करने वाला है। 18 मई 2025 तक राहु ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेगा। यह राशि परिवर्तन भले ही राहु ग्रह का है, लेकिन उसके साथ यहाँ तीन चीज़ें मुख्य रूप से होने वाली है। एक और राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण अब तक मेष राशि में गुरु और राहु, इन दो ग्रहों का जो गठबंधन था, वह गठबंधन और उसके दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं समाप्त होंगे। अर्थात राहु और गुरु दोनों ही स्वतंत्र परिणाम देने के लिए मुक्त होंगे। इसीलिए जब हम इस परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, तब हमें गुरु ग्रह के परिणाम और राहु द्वारा मिलने वाले परिणाम, इन दोनों का साथ में अध्ययन करना होगा, ताकि राशि पर होने वाला वास्तविक परिणाम आप समझ सकें। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु ग्रह आपके प्रथम स्थान में विराजमान है, वहीं पर गुरुदेव भी विराजमान है, अर्थात आपकी राशि में गुरु और राहु का गठबंधन हुआ है। परिणाम स्वरूप गुरुदेव स्वतंत्र परिणाम देने में असमर्थ है, लेकिन अब राहु ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा,
तब गुरुदेव इस गठबंधन से मुक्त होंगे, तब वे अपने अधूरे कामों को पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जैसे हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ साथ उनकी दृष्टि का भी बड़ा महत्व होता है। उस अनुसार गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर है, अर्थात शिक्षा, संतति, प्रणय, विवाह के स्थान पर उनकी सकारात्मक दृष्टि है। साथ ही भाग्य एवं पिताजी के स्थान पर भी उनकी दृष्टि है। मेष जातक यदि विचार करें तो उन्होंने पिछले 1.5 वर्ष में बड़ा संघर्ष किया है। विशेष बात है कि गुरु जैसा ग्रह राशि में विराजमान होने के बाद भी संघर्ष क्यों? ऐसे प्रश्न भी कहीं ना कहीं मेष जातकों के मन में उपस्थित हुआ था। लेकिन ग्रह स्वतंत्र और साथ मिलकर भी परिणाम देते हैं। गठबंधन में विराजमान ग्रह गठबंधन के परिणाम देते हैं, लेकिन इस गठबंधन से अब गुरुदेव मुक्त होने वाले हैं, जिस कारण वे अब आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगे। राहु ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो वह प्रथम स्थान में विराजमान होने के कारण कहीं ना कहीं आपका ईगो बढ़ा देगा। आपके स्वभाव में एक प्रकार की नकारात्मकता बढ़ी थी, यह चीज मुझे आज अभी चाहिए, ऐसा आपका स्वभाव बना था। इन सभी से अब आपकी मुक्ति होने वाली है। जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव हुआ था, कुछ विवाद की स्थिति बनी होगी, उससे भी अब आपकी मुक्ति होगी। इस राहु परिवर्तन से आपको क्या मिलेगा, यह मुख्य प्रश्न है। तो अब राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में प्रवेश करने वाला है। व्यय स्थान का राहु आपके लिए व्यय अर्थात खर्च बढ़ाने का काम करेगा। यह खर्च किस पद्धति से बढ़ सकते हैं? तो खर्च बढ़ने की भी कई दिशा होगी। आप शिक्षा पर, परिवार पर, परदेश गमन पर खर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल पर आपका खर्च हो सकता है या अप्रत्याशित रूप से खर्च के कारण निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए पहले से ही वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। गुरुदेव के समान ही राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उसके दृष्टि का भी बड़ा महत्व है। उस अनुसार व्यय स्थान में विराजमान राहु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जिस कारण आप इस काल में वास्तु के लिए, वाहन के लिए खर्च कर सकते हैं। राहु की यह यात्रा 18 मई 2025 तक शुरू रहेगी। साथ ही मीन राशि में राहु लगभग 18 वर्षों के बाद प्रवेश करने वाला है, अर्थात 18 वर्षों के बाद वह आपके व्यय स्थान में आने वाला है। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु वाहन के साथ मातृ सौख्य को भी दर्शाता है। उस अनुसार माताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न निर्माण होना, उसके लिए खर्च करना, यह बात मेष जातकों को लागू होगी। ऐसी स्थिति में जातक विदेश जाते हैं या जन्म स्थान से कहीं दूर जाते हैं। ऐसा करने से उनके लिए प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस बात को मेष जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय स्थान में विराजमान राहु की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली का षष्ठ स्थान उपचय स्थान होता है। यहाँ से हम स्वास्थ्य, नौकरी, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति को देखते हैं। राहु अग्रेसिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। कुंडली के षष्ठ स्थान पर दृष्टि डालने वाला राहु कई बार आपको शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। यह किस पर निर्भर करता है? तो यह बुध ग्रह के गोचर पर निर्भर करता है, क्योंकि बुध देव आपके षष्ठेश है। तो कुंडली के षष्ठ स्थान पर दृष्टि डालने वाला राहु बुध ग्रह के गोचर के अनुसार आपको परिणाम देगा। बुध के शुभ गोचर में वह आपको नौकरी में सफलता देगा, आपके लिए प्रमोशन के अवसर निर्माण करेगा, शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। लेकिन जब बुध ग्रह का गोचर अनुचित स्थान या अनुचित राशि में होगा, उस समय राहु आपके लिए विभिन्न प्रकार की समस्या निर्माण करेगा।
तब वरिष्ठों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। साथ काम करने वाले सहकर्मियों द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है, जिस कारण नौकरी में आपको अस्थैर्य का सामना करना पड़ेगा। इस बात को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय स्थान के राहु की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। इस स्थान पर पड़ने वाली यह दृष्टि भले ही अचानक अप्रत्याशित धन लाभ दर्शाती हो, लेकिन स्वास्थ्य की बड़ी समस्या निर्माण करना यह भाग सामने आ सकता है। तो मेष जातक संशोधन क्षेत्र में कार्यरत है, पारंपरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो कई बार यह दृष्टि आपको सकारात्मक परिणाम भी देती है। महत्वपूर्ण बात है कि कई बार इस दृष्टि का प्रभाव मंगल ग्रह के गोचर के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि आती है। राहु के पास राशि चक्र की किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। वह जिस राशि पर प्रभाव डालता है उस राशि के स्वामी का बल भी अपने पास लेता है, उस अनुसार परिणामों में बदलाव होता है। इसीलिए राहु का अध्ययन करते समय हम सदैव संबंधित राशि के स्वामी का बल भी देखते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस राहु परिवर्तन से आपको कई शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके संदर्भ में कई बदलाव होंगे, साथ ही जो संघर्ष आपने पिछले 1.5 वर्ष में किया है उससे अब आपकी मुक्ति होगी। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव जो आपके प्रथम स्थान में विराजमान है उनसे आपको अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता के साथ कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। यह उपाय हम हर महीने राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो 30 अक्टूबर से आगे के 11 दिन कम से कम 5 बार ओम राहवे नमः राहु के इस बीज मंत्र का जाप सभी राशियों के जातकों ने करना चाहिए। साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार राहु परिवर्तन के मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर होने वाले परिणामों को समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आप देखिए, दोस्तों को रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।